जब भी हम ये केन या स्टिक यूज करते हैं तो सबके मन में एक डाउट होता है कि इसको कौन सी साइड में पकड़ना चाहिए, जो लेग इंजर्ड है या इन्वॉल्व साइड है उस सेम साइड में पकड़ना चाहिए या उसके ऑपोजिट साइड में। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक के माइंड में होता है। तो मैं डॉक्टर वरुण वासिल आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि हमें कौन सी साइड में स्टिक पकड़नी चाहिए और स्टिक का यूज प्रॉपरली कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जब भी हमें लेग में कोई इंजरी, कोई फ्रैक्चर या कोई सर्जरी हुई होती है तो उस पेन को और उस लिंपिंग पैटर्न को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा स्टिक का यूज करते हैं ताकि हम अपनी वॉकिंग कंफर्टेबल बना सकें। ऐसे ही कोई स्ट्रोक पेशेंट अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए स्टिक को यूज करता है। पर अगर हम स्टिक का गलत तरीके से यूज करें या गलत हाथ में पकड़ें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये और भी मसल्स को और भी बॉडी पार्ट्स को इंजर कर सकती है या खराब कर सकती है। तो इसलिए स्टिक का सही तरीके से यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमें किस हाथ में स्टिक पकड़नी चाहिए। जब भी आप स्टिक यूज करें तो हमेशा ऑपोजिट टू द इन्वॉल्व लेग और इंजर्ड लेग करें। मान लीजिए किसी पेशेंट को लेफ्ट लेग में इंजरी है तो उसको स्टिक यूज करनी है तो हमेशा उसको राइट हैंड साइड में स्टिक पकड़नी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब भी हम नॉर्मल हमारा वॉकिंग पैटर्न होता है वो होता है जब लेफ्ट लेग मूव करती है तो हमारा राइट हैंड आगे आता है और जब राइट लेग मूव करती है तो लेफ्ट हैंड आगे आता है। ये हमारा नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है। तो जब स्टिक यूज करनी होती है तो ब्रेन को साइकोलॉजिकली एफर्ट ज्यादा ना लगाना पड़े और हमारा नॉर्मल बॉडी पैटर्न ही चलता रहे वॉकिंग का, इसलिए हमें सही हाथ में स्टिक पकड़ना इसलिए जरूरी है। अब मान लीजिए ये लेफ्ट लेग इंजर थी तो राइट हैंड में स्टिक पकड़ने से उसका वॉकिंग पैटर्न कंफर्टेबल होगा और उसके ब्रेन को ऑटोमेटिकली ये चीज याद भी है और वो जल्दी सीख पाएगा। अब देखिए इस तरह से वॉक करना उसके लिए कितना कंफर्टेबल होगा। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, जब भी वो स्टिक यूज करते हैं तो वो सेम साइड पे यूज करते हैं और करें भी कैसे ना। बहुत सारी मूवीज में वो यही देखते हैं कि जब विलन हो या फिर कोई भी हो हीरो हो तो वो इसी तरह से एक्टिंग करता है, वो सेम साइड पे स्टिक पकड़ता है। वो बिल्कुल गलत पैटर्न है, उसको आप बिल्कुल भी मत अपनाइए। इसके लिए आपको सही पैटर्न क्या करना पड़ता है, हमेशा ऑपोजिट साइड में। तो आइए देखते हैं ये प्रॉपर वॉकिंग और स्टिक को कौन सी हाइट पे रखना है उसके बारे में भी देखते हैं। तो जब भी स्टिक यूज करनी तो सबसे पहले हमें देखना होता है स्टिक की हाइट, ताकि पेशेंट का जो मसल एफर्ट है वो कम से कम लगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो उसकी स्टिक। तो जब भी खड़े होना है या उसको देखना है तो उसके यहाँ पे होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। उसके लिए मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, जो स्किन अपनी रिस्ट की जो क्रीज होती है ना, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो स्टिक का हैंडल उस क्रीज तक आना चाहिए। ये थोड़ा ऊँचा है, एडजस्ट हुआ हुआ है, पर आपको देखना है कि उसकी क्रीज तक उसका हैंडल आए पकड़ने के लिए, ताकि जब भी हमें पकड़नी पड़े स्टिक तो हमारी एल्बो 20 डिग्री तक फोल्ड हो, जो कि कंफर्टेबल पोजीशन होती है स्टिक को ओपन अप करने के लिए और मूव करने के लिए। तो ये हो गया स्टिक की हाइट। इसी तरह स्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेस। ऐसे ही ट्राईपॉड आता है, टेट्रापॉड है, ये टेट्रापॉड स्टिक है। जिसने फर्स्ट टाइम यूज करनी होती है स्टिक, उसके लिए टेट्रापॉड ईजी है, क्योंकि उसका बेस ब्रॉड है तो उसको एक तो डर नहीं लगता और इम्बैलेंस नहीं होता। तो ये स्टिक की हाइट और ये बेस बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि हमें वॉकिंग पैटर्न कैसे फॉलो करना होता है। जब हम ऑपोजिट साइड चलते हैं तो दो तरह के वॉकिंग पैटर्न होते हैं, एक तो वॉक टू यानी कि टू द पॉइंट जहां पे हमने स्टिक रखी है। तो उसमें चलने से पहले क्या करना है, ये इन्वॉल्व लेग यानी कि लेफ्ट, मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट लेग इंजर्ड है और साथ ही हमें पकड़ना है राइट हैंड में स्टिक को। तो जब मूव करना है तो पहला वॉकिंग पैटर्न है लेफ्ट लेग और राइट हैंड सेम टाइम पर ग्राउंड को टच करेगा, ताकि हमारा जो एफर्ट है वो स्टिक पे ज्यादा आए और जो बॉडी मूवमेंट है यानी कि इस पे ज्यादा वेट ना लेते हुए हम स्टिक पे वेट शिफ्ट करें, क्योंकि वेट शिफ्टिंग ही मेन है स्टिक को यूज करने के लिए। और जब इसको रखने के बाद ये बिल्कुल जो दूसरा लेग है यानी कि राइट लेग जो कि बिल्कुल सही वाली लेग है उसको बिल्कुल स्टिक के साथ रखें, उसको कहते हैं वॉक टू। ये पैटर्न लिया और उसको बिल्कुल स्टिक के साथ रखा, ये वॉक टू। वॉक थ्रू होगा जब हम इसको आगे ले जाएंगे अपने राइट हैंड साइड को, यानी कि जब मूव करते करते ये आया और ये आया, इसको कहते हैं वॉक थ्रू कंटिन्यूटी में।
तो बेबी स्टेप लेने के लिए जब किसी को बैलेंस की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा उसको वॉक टू पैटर्न यूज करना चाहिए इस तरह से, और जब किसी को इंजरी है और वो एडवांस स्टेजेस में है, बस उसकी मसल वर्क में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसको वॉक थ्रू पैटर्न वो ले सकता है और ये इजी पैटर्न होता है। अब देखते हैं गलत पैटर्न के बारे में। अब मान लीजिए सेम साइड में अगर हम स्टिक पकड़ते हैं या कोई भी पकड़ता है तो उसका वॉकिंग पैटर्न कैसे होता है, वो सेम साइड पे जब ये ऐसे वेट शिफ्ट करेगा तो उसे हमेशा लिंप करना पड़ेगा उस साइड पे, क्योंकि उसकी ये लेग तो वेट लेगी नहीं, तो वेट शिफ्ट करना पड़ेगा उसको स्टिक पे, और स्टिक यूज करेगा तो उसको नीचे की ओर उसको प्रेशर देना पड़ेगा ग्राउंड की तरफ, और वो हमेशा लिंप करेगा इस तरह से, हमेशा ही वो इस तरह से लिंप करेगा। और अगर इसके ऑपोजिट हम जो अभी सही पैटर्न देखा वो ऑपोजिट वाला, उसमें जब भी वो मूव करेगा तो स्टिक का जो प्रेशर है और जो दूसरी लेग जो कि इन्वॉल्व लेग है उसका वेट शिफ्ट करने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट उस पर नहीं डालना पड़ेगा, असली अच्छी वाले जो हाथ है उस पर डालना पड़ेगा, तो वो इजीली कर सकेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि मैं तो राइट हैंडेड हूँ इसलिए मैं तो राइट हैंड में स्टिक यूज़ करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके दोनों हाथ वेट लेने के लिए बराबर काबिल होते हैं, तो उसको हमेशा यूज़ करिए अच्छे ढंग से। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये ऑपोजिट स्टिक पकड़ने वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए उसके लेफ्ट लेग में इंजरी है और राइट हैंड में भी इंजरी है या प्लास्टर लगा है, तो वो स्टिक ऑपोजिट साइड पे कैसे पकड़ेगा। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो सकता, पर आपको बाकी केसेस में हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपोजिट साइड ही स्टिक पकड़ें। अगर आपके घर में कोई ये स्टिक यूज़ कर रहा है, आपके मदर फादर या रिलेटिव्स में या दादा दादी, तो उनको हमेशा बताएं कि ऑपोजिट साइड में स्टिक पकड़ें और ये वॉकिंग पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि स्टिक हमारी कंफर्ट के लिए बनी है और हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम मसल यूज़ हो। एक चीज़ ठीक करते करते दूसरी ख़राब करें ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेशन हम लगातार अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। रुकिए रुकिए, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि हम स्टिक के साथ स्टेयर्स कैसे चढ़ते उतरते हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 देखना ना भूलें।